पिछले कुछ दिनों से गैर भाजपा शासित राज्यों में हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार काफी अधिक बढ़ गया है, चाहे वह महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में दो साधुओं की निर्मम हत्या हो या फिर पंजाब के होशियारपुर में एक साधु पर घातक हमला हो। जहां जहां कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार विद्यमान है, वहां वहां हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। कल हमें झारखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां हिंदू फल विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर में कुछ हिंदू फल विक्रेताओं के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपने बैनर पर हिंदू लिखने का दुस्साहस किया था। पुलिस ने न केवल उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया अपितु उन पर राज्य की शांति भंग करने का आरोप भी लगाया गया। कुछ फल विक्रेताओं ने दरअसल अपनी दुकान के आगे ये बैनर लगाया, विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान। इन बैनर्स पर श्री राम और भगवान शिव जी के चित्र भी अंकित थे, परंतु ये बैनर एक कट्टरपंथी मुसलमान को नागवार गुजरा, जिसने ट्विटर के माध्यम से जमशेदपुर पुलिस को शिकायत कर डाली और जमशेदपुर पुलिस उस यूजर की मांग पर नतमस्तक होते हुए उन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने निकल पड़े। बता दें कि झारखंड में उद्धव ठाकरे की भांति ही शासन की असल बागडोर किसी अन्य के हाथ में है। मुख्यमंत्री भले ही हेमंत सोरेन हो, परंतु असल सत्ता तो लगता है कांग्रेस के पास है। जमशेदपुर पुलिस के अफसरों ने न सिर्फ बैनर हटवाए अपितु फल विक्रेताओं के विरुद्ध शांति भंग करने के आरोप में सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज कराया। झारखंड में जिस प्रकार से हिंदू विक्रेताओं पर अत्याचार किए गए, वह सोशल मीडिया की नजरों से नहीं छुप सका। झारखंड पुलिस के जमशेदपुर इकाई को उनकी गुंडई के लिए आड़े हाथों लेते हुए कई ऐसे दुकानों के चित्र सोशल मीडिया पर दिखाए गए, जहां साफ साफ लिखा हुआ था यहां हलाल योग्य वस्तु या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए ही वस्तु मिलते हैं। उदाहरण के लिए स्पैमिंदर भारती नाम से ट्विटर अकाउंट चलाने वाले एक यूजर लिखते हैं, क्यों भाई ये सब चलता है क्या? किस आधार पर आपने उन फल विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया? क्या इन दुकानों के विरुद्ध एक्शन लेने की हिम्मत है? ऐसा लगता है कि जैसे पिछले कुछ दिनों से सभी प्रदेश जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन है, वहां सोनिया मैडम की जी हुजूरी में बर्बरता की हर सीमा लांघने की होड़ सी मच गई है। महाराष्ट्र में चाहे रमजान के अवसर पर मुसलमानों को खरीदारी की पूरी छूट देनी हो, या फिर पालघर में साधुओं की हत्या को दो दिन तक देश से छुपाना हो, या फिर राजस्थान में अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध अफवाह फैलानी हो, कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रमुख कहीं भी किसी तरह से पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, इन राज्यों में तो हलाल स्वीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है। हलाल उद्योग मुसलमानों द्वारा मुसलमानों का उद्योग है, जो कथित तौर पर सबके लिए खुला है। दुनिया में यूएसए, यूके और भारत जैसे देशों में अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुस्लिम समुदाय ने बहुसंख्यक समुदाय को अपने मानकों के अनुसार भोजन परोसने या फिर कोई उत्पाद निर्मित करने पर विवश किया है। ये कुछ भी नहीं बल्कि एक प्रकार का आर्थिक जिहाद है, जहां धार्मिक इच्छा के नाम पर एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री पर एकाधिकार जमा लिया गया है। सरल अर्थशास्त्र में भी ये बताया गया है कि किसी भी उद्योग में एकाधिकार अच्छी बात नहीं होती, पर यहां तो एक ऐसा उद्योग खड़ा हुआ है जिसका मूल्य दुनिया के कुछ बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। और विडंबना तो देखिए, अर्थशास्त्री हो, अधिवक्ता हो या फिर बड़े बड़े एक्टिविस्ट, सब इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अब आते हैं जमशेदपुर पुलिस के मुकदमे की वैधानिकता पर। धारा 107 सीआरपीसी के दिशा निर्देश अनुसार तभी लगाई जा सकती है जब शांति भंग होने का खतरा पूर्णतया निश्चित हो। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक निर्णय के अनुसार ये तय करना सरकार का काम नहीं है कि शांति भंग किस स्थिति में वास्तविक है। लगता है कि कांग्रेस अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को ना दबा पाने की खुन्नस निर्दोष हिंदुओं के विरुद्ध झूठी कार्रवाई करके निकालना चाहते हैं। झारखंड में हुई वर्तमान घटना से स्पष्ट है कि जैसे ही भाजपा को किसी राज्य से हटाया जाता है, वहां सबसे पहले हिंदुओं की ही शामत आती है। ऐसे में सोच के ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि यदि सत्ता में मोदी सरकार के बजाय कांग्रेस का शासन होता तो।